नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो हमारा फायर सर्विस में फायर एक्सटिंग्विशर हो गया पोर्टेबल या तो फिर व्हील टाइप या तो फिर फायर टेंडर के अंदर जो हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ करते हैं, राइट, उस पाउडर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जानकारी के लिए जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से रहेगी। बेसिकली क्या होता था कि 2019 का जो साल था उसके पहले उसके तीन अलग अलग आईएएस हुआ करते थे, यानी अलग अलग टाइप की जो फायर रहेगी। यानी मान लीजिए कि बीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है पाउडर वाला, तो उसके लिए जो पाउडर रहेगा उसका एक अलग आईएएस हुआ करता था। दूसरा हो गया एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ड्राई केमिकल पाउडर वाला, तो उसके लिए एक अलग से आईएएस हुआ करता था। और क्लास डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो रहेगा उसके अंदर जो ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ होता था उसके लिए भी एक अलग से आईएएस हुआ करता था। सो 2019 में क्या हुआ कि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का जो आईएएस हुआ करता था अलग अलग हुआ करते, उन सबको 2006 में मर्ज करके आईएएस 15683 कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर में जो पाउडर यूज़ होता है उन तीनों आईएएस को क्लब करके एक नया आईएएस कोड बनाया गया जिसका नंबर है 4308-2019। यानी अभी आपको कोई भी इंटरव्यू में या ऐसे जनरल डिस्कशन में अगर कहीं पे आ रहा है कि व्हाट इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ड्राई केमिकल पाउडर, देन योर आंसर विल बी इट इज़ 4308-2019, राइट। ये जो है उसमें वो तीन अगर आईएएस आप देखेंगे जो पुराने थे उसमें भी सारी चीज़ सेम हुआ करती थी। यानी कौन से टेस्ट करने हैं, उसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे, उसके मान लीजिए उसका फ्लो किस तरह से होना चाहिए, उसका बर्न बैक जो है वो कैसे होना चाहिए, या तो फिर का वाटर रेजिस्टेंट है तो वो कितना होना चाहिए, इस तरह से ये सारी चीज़ जो है वो हुआ करती थी। सो अभी देखते हैं हमारा ये जो नया आईएएस है उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो कवर किया है इन लोगों ने। सो ठीक है, सबसे पहला चीज़ क्या हुआ कि आईएएस कोड जो है वो तो उन लोगों ने मिक्स कर दिया। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अभी इसमें आपको तीन तरह का क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, बीसी टाइप, एबीसी एंड क्लास डी टाइप। फिर आता है ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ड्राई केमिकल पाउडर होता है जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो भी पाउडर रहेगा वो इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव होना चाहिए। यानी कोई भी आदमी अगर वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रहा है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, CO2 या क्लीन एजेंट जो है वो उसके पास अवेलेबल नहीं है, और इमीडिएटली अगर वो यूज़ करता है तो उसको इलेक्ट्रिकल का कोई हैजार्ड नहीं होना चाहिए, कोई शॉक नहीं लगना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है जो हम लोगों ने भी नोटिस किया, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में ड्राई केमिकल पाउडर अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पूरा एक क्लाउड बन जाता है वाइट कलर का या येलो कलर का, जो भी पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होना, आँखों में जलन होना, ये एक चीज़ जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है हम लोग नोटिस करते हैं, तो एक ये प्रॉपर्टी भी उसकी रहेगी। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, मोनो अमोनियम फॉस्फेट हो गया या टर्नरी क्यूटेटिक क्लोराइड जो क्लास डी टाइप फायर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा सा एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो जब भी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहे हैं और वहाँ पे हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज़ किया, अगर वहाँ पे कोई स्टील है या कास्ट आयरन है या एल्यूमिनियम की सरफेस पे वो जा रहा है तो वहाँ पे जंग लगने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप लोगों ने यूज़ कर लिया तो आपको उसको अच्छी तरह से क्लीन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ थोड़ी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जंग लग सकता है। जो दूसरे जो पाउडर है, यानी पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, या तो फिर यूरिया बेस्ड जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट आता है, राइट, अगर ये है तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा बेसिक टाइप का रहेगा प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें भी जंग लगने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इनका जो है वो थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, राइट ना। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ जो है उसको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद इन लोगों ने जो टेस्टिंग का जो है उसमें क्या क्या चीज़ वो लोग डिफाइन करते हैं, एक तो पार्टिकल साइज़ क्या होनी चाहिए, राइट, हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होनी चाहिए, वाटर रिपेलेंसी क्या होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, रेट ऑफ फ्लो कितना होना चाहिए, फोम के साथ इसकी कंपेटिबिलिटी किस तरह से रहेगी। यानी अगर देख मान लीजिए बीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है तो मिनिमम 50% जो है बर्न बैक ऑफ ओरिजिनल, यानी फोम के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 50% होना चाहिए। फिर फायर टेस्ट जो है वो कंपलसरी है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो गया। और कलर की अगर हम लोग बात करें तो बीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में जो रहेगा पाउडर
दैट विल बी वाइट कलर, इफ़ इट इज़ ए बी सी और मोनो एमोनियम फोस्फेट दैन इट्स कलर विल बी पेला येलो, एंड इफ इट इज़ अ क्लास डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर डी टाइप फायर दैन इट विल बी ऑफ ग्रे कलर। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है कि फायर टेस्ट की अगर मैं बात करूँ आपको, सो जो भी पाउडर है उसे फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर डाल के उसका टेस्ट किया जाएगा अलग अलग साइज़ वाले में। सो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे 15683 के हिसाब से अगर हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे जो भी फायर एक्सटिंग्विशर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेटिंग दिया हुआ रहता है ना, कि 55B हो गया या 21B हो गया, 2A लिखा हुआ है, इस तरह से मैंने रेटिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था फायर एक्सटिंग्विशर का रेटिंग पर। तो वो पाउडर जब हम लोग उस एक्सटिंग्विशर के अंदर डाल रहे उतना कैपेसिटी का, तो मिनिमम जो उसका क्राइटेरिया है वो उसे कंप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिटेल आपको देने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट एक मिनट तो बता दे रहा हूँ किस तरह से होता ही है अभी मैं। ओके, जब हम लोग बात करते हैं फायर टेस्ट की, यानी जो भी पाउडर है ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग जो भी करते हैं उनके स्कोप में, लेकिन हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जब भी हम लोग परचेस करते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर बीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी बीसी टाइप का अगर पाउडर लिया हुआ है आपने, मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 4 kg है, तो 4 kg का पाउडर मैं फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर डाल रहा हूँ तो मिनिमम उसका रेटिंग जो है वो 55B का होना ही चाहिए। यानी 4 kg पाउडर है तो 55B रेटिंग वाली जो फायर है उसको वो एक्सटिंग्विश करना ही चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं कि ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, तो अगर मेरा 4 kg ABC लिया हुआ है तो मिनिमम उसको 2A क्लास वाली फायर एज वेल एज क्लास बी 55B वाली फायर जो है उसको वो एक्सटिंग्विश करने के लिए वो कैपेबल होना चाहिए। क्लास सी जो है उसके लिए इस तरह से कोई फायर रेटिंग डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन जो बी वाला जो है सेम उसी को हम लोग क्लास सी के लिए भी मान सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं TEC यानी टर्नरी क्यूटेटिक क्लोराइड वाला जो पाउडर है जो कि हम लोग क्लास डी टाइप फायर में यूज़ करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो अलग हो जाता है। उसके लिए आपको ये जो IS है उसको भी रिफ़र करना चाहिए, तो उसमें से भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसको किस तरह से किया जाता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। कि मान लीजिए कि आपने एक ट्रे लिया 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, राइट, और उसकी तीन साइड जो रहेगी वो करीब आपको 55 mm हाइट वाली तीनों साइड रहेगी, और एक साइड जो है वो 40 mm की हाइट रहेगी जहाँ से आपको पाउडर जो है वो अप्लाई करना है। तो तीन साइड 55 mm एंड एक साइड जो आपकी फ्रंट साइड जो रहेगी वो 40 mm की हाइट वाली रहेगी। इसको क्या करना है, ज़मीन से करीब 450 mm के हाइट के ऊपर रखना है, राइट, और उसके बाद उसके अंदर 1 इंच या तो 25 mm का बालू का पूरा एक लेयर बिछा देना है उस ट्रे के अंदर, और उसके ऊपर करीब 500 ग्राम जितना मैग्नीशियम जो रहता है उसकी जो छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे चिप जो रहेंगे उसका स्प्रे किया जाता है, डाल दिया जाता है, और उसके बाद उसमें फायर लगाई जाती है। जब उसके अंदर फायर लगती है तो आपको 9 kg वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा उसको यूज़ करना है, और उसकी आग बुझाने के लिए आपको ट्राई करना है। और वो जो फायर है वो करीब, यानी पूरा जो पाउडर निकलना चाहिए वो 60 सेकंड के अंदर निकल जाना चाहिए, फायर बुझ जानी चाहिए, और उसको फिर इस तरह से 30 मिनट तक उसको छोड़ देना है। अगर आपने छोड़ दिया, रीइग्निशन नहीं होता है, इट मीन्स आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो गया, वो जो फायर टेस्ट उसने क्लियर कर दिया, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप एक ये छोटा सा वीडियो है IS के हिसाब से, और इसमें आपको जितनी मिनिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको मैंने देने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड या तो फिर फायर सेफ्टी से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो भी टॉपिक रहेंगे दैट आई एम गोइंग टू कवर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो। थैंक यू।